नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में सभी प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं। और वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो 14,990 नए मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवाद मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। और वहीं महाराष्ट्र के दहेघर इलाके में एक ऑटो गैराज में भयंकर आग लग गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल किसी की मौत होने की सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका ने राज्य में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। इस दौरान वह लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जिसके बाद उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस द्वारा हाथरस कांड के मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित। मोहनलालगंज में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर फायरिंग कराई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद में एक महिला ने 3 साल के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला का पति बच्चे को काफी प्यार करता था, जिससे महिला नाराज थी। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 13 वर्षीय बच्चे की रेप करके हत्या करने के मामले में एक शख्स को शिमला से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने खाने की डिलीवरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। खाना पहुंचाने के साथ साथ ये दोनों अपार्टमेंट में काफी दिनों से बंद पड़े फ्लैट्स पर नजर रखते थे और उसके बाद ताला तोड़कर घर में रखा सामान लेकर गायब हो जाते थे। राजस्थान के धौलपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात दस्यु मुकेश ठाकुर गैंग के 2 बदमाश अजीत ठाकुर और मोनी जाट को किया गिरफ्तार। और वहीं पानीपत में प्रो कबड्डी लीग में खेलने की तैयारी कर रहे हॉकी के राष्ट्र खिलाड़ी प्रमोद को रोहतक बाईपास के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई है। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार। और वहीं जलंधर में निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 2 श्रमिक की हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। लुधियाना में 9 लाख का स्क्रैप बेचकर लौट रहे ट्रक चालक को लुटेरों ने उसकी जान ले ली है। लुटेरे सारी रकम लूटकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं पंजाब में 3 दोस्त एक पुराने मकान की छत ढहाने के लिए मजदूरी पर गए हुए थे। इसी दौरान छत गिर गई, जिसमें 2 दोस्तों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्कूटी सवार बदमाशों ने पिस्टल सटाकर कारोबारी से करीब 1 करोड़ 400 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए। घटना लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित 2 पुलिस चौकी के बीच में हुई है। और वहीं खबर अमृतसर से सामने आ रही है, जहां पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से 3 महिला भी बताई जा रही है। सीतापुर में एक महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की। पंजाब में एक निजी अस्पताल के नजदीक 20 वर्षीय युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गोरखपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मोबाइल पर उनके धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और वहीं बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान अपनी तस्वीरों के जरिए काफी चर्चा में बने रहते हैं। वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा लाइमलाइट में नजर आते हैं। हाल ही में इब्राहिम को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में स्पॉट किया गया। सिंगर हर्षदीप कौर के घर में किलकारियां गूंजी हैं। वो बेटे की मां बन गई हैं। हर्षदीप कौर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। और वहीं श्रद्धा कपूर वीडियो में अपनी फिल्म के गाने कमरिया पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ह्यूंडई मोटर्स ने i20 पर बेस्ड एक नई एक्सयूवी की पहली झलक जारी की है। ये दुनिया भर में कंपनी के i20 एक्टिव मॉडल की जगह लेगी। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।